इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैक फ्रॉस्ट नाम का एक लड़का बर्फ के अंदर से निकलता है, जिसे अंधेरे से काफी डर लग रहा था, मगर जब उसने मून को देखा तो उसका डर दूर हो गया। जैक को अपने बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय अपने नाम के, जो कि उसे मून ने बताया था। जैक को बर्फ से बाहर निकलने के बाद एक स्टिक मिली, जो कि एक जादू स्टिक थी। जैक स्टिक को जिस जगह भी टच करता वो बर्फ से जम जाती। जैक ये देखकर काफी खुश हुआ और लोगों के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई महसूस नहीं कर पाता, इसीलिए जैक काफी परेशान होता है। वहीं हमें 300 साल बाद नॉर्थ पोल का सीन दिखाया जाता है, जहां नॉर्थ नाम का एक सेंटा रहता था। उसके पास एक यति आता है, जो सेंटा को ग्लोब के पास चलने को कहता है। नॉर्थ ग्लोब में देखता है कि बच्चों को सेंटा पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ग्लोब पर चमक रही लाइट से पता चलता था कि कितने बच्चे सेंटा पर भरोसा करते हैं, मगर ग्लोब पर लाइट्स कम हो रही थी। इसका मतलब था कि बच्चे अब सेंटा पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ग्लोब के पास पिच ब्लैक आकर मंडराता है, जो कि अर्थ पर बच्चों को बुरे सपने दिखाता है और डर फैलाकर बच्चों को डराने की कोशिश करता है। ये सब देखकर नॉर्थ टूथ फेरी, बनी मून और सैंडी को अपने पास बुलाता है, जो सभी गार्डियंस हैं। नॉर्थ सभी को बताता है कि पिच पोल पर आया था और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। नॉर्थ की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और बनी उससे बहस करने लगता है। जो एक सैंडमैन है वो अपनी सेंड से बच्चों को अच्छे सपने दिखाता है। वो नॉर्थ को इशारे में चांद देखने के लिए कहता है, क्योंकि वो बस मैजिकल इशारों से ही बात कर सकता था। चांद की रोशनी सेंटा के पास आती है और उन्हें पिच को दिखाती है, जिसे देखकर सभी को भरोसा हो गया कि वो पिची था जो पोल पर आया था। मून उन्हें एक नए गार्डियंस को दिखाता है, जिसे मून ने चुना, जो कि जैक था, क्योंकि मून को लगता है कि नॉर्थ और उसके साथियों को मदद की जरूरत है। बनी को जैक पसंद नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि कोई और गार्डियन बने। वहीं जैक अपनी पावर से सभी चीजों को जमा देता है, क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं था और अपने मजे के लिए अपनी पावर का यूज करता था। जिमी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी मॉम उसे सर्दी से बचने के लिए केप लगाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जैक तुम्हारी नाक जमा दे। जिमी अपनी मॉम से जैक के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। जैक भी वहीं था और उसने ये सब सुन लिया। अपने आप को प्रूफ करने के लिए जैक जिमी के साथ स्नोबॉल खेलता है और उसे बर्फ राइड कराता है। जिमी काफी खुश होता है, तभी उसका टीथ टूट गया। उसे लगता है कि ये सब टूथ फेरी ने किया और अपने टीथ को पीलो के नीचे रखकर सो जाता है। जैक इस बात से काफी दुखी होता है, क्योंकि उसने सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं कर पाया और उदास होकर मून से पूछता है कि मैंने हर कोशिश कर ली, मगर मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। तुमने मुझे यहाँ भेजा है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, मगर जून उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। सैंडमैन भी वहाँ आता है, सभी बच्चों को अपनी सेंड की मदद से अच्छे सपने दिखाता है। सैंडमैन एक लड़की को सपना दिखा रहा था, तभी पिच वहाँ आता है और अपने ब्लैक हॉर्स से सैंडमैन के सपने को बुरे सपने में बदल देता है। ब्लैक हॉर्स पिच के बुरे सपने होते हैं, जो बच्चों को डराने का काम करते थे। वहीं बनी के साथ सेंडा के दो यति गार्ड आते हैं, जो जैक को पकड़कर अपने साथ नॉर्थ के पास ले आते हैं। यति बनी को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। बनी कहता है कि मैं तुम्हें पोल पर ही मिलूंगा और जमीन में एक गड्ढा करके उसमें चला जाता है और वहाँ एक फूल का पौधा उग जाता है। यति अपने मैजिक से एक सर्कल क्रिएट करते हैं और जैक को अपने साथ पोल ले जाते हैं। नॉर्थ जैक को देखकर खुश होता है। जैक पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। नॉर्थ कहता है कि तुम अब एक गार्डियन हो और सभी उसका स्वागत करने लगते हैं। जैक गुस्सा होकर सभी को डराता है और कहता है कि मैं गार्डियन नहीं बनना चाहता, क्योंकि तुम सब मेहनती हो, लेकिन मैं मजे करना चाहता हूँ। नॉर्थ जैक को ग्लोब दिखाकर कहता है कि पिच वापस आ गया है और उसने हमें धमकी दी है कि वो सभी बच्चों के दिल में डर फैला देगा। पिच को हराने में हमारी मदद करने के लिए मून ने तुम्हें चुना है। जैक नॉर्थ से कहता है कि मून ने तुम्हें क्यों बताया, वो मुझे भी बता सकता था। और इस बात से जैक काफी गुस्सा होता है, क्योंकि जैक ने मून से कई सवाल किए थे पर उसका जवाब नहीं देता। बनी और जैक आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि बनी नहीं चाहता था कि जैक गार्डियन बने। नॉर्थ जैक को अपने ऑफिस में लेकर जाने लगता है, तभी रास्ते में जैक बच्चों के लिए बनते गिफ्ट देखता है और नॉर्थ से कहता है कि मैं हमेशा से इसे देखना चाहता था। नॉर्थ जैक को कहता है कि मून ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम स्पेशल हो, और जैक को अपनी आँखों के बारे में बताता है, जिनकी मदद से वो बच्चों की मदद करता है। वहाँ बनी भी आता है और कहता है कि टूथ पैलेस खतरे में है। नॉर्थ जैक और बाकी साथियों को अपनी स्लेज पर बिठाकर
टूथ पैलेस ले जाता है। बनी को स्लेज में काफी डर लगता है, मगर जेक को स्लेज में बैठकर काफी मजे आते हैं। जेक देखता है कि बीच के ब्लैक हॉर्स टूथ फेरी को ले जा रहे हैं और वो एक हॉर्स से बेबी टूथ को बचा लेता है। नॉर सभी को मारने लगता है, जेक स्लेज चलाने लगता है। बनी को पता चलता है कि ब्लैक हॉर्स टूथ फेरी के कलेक्ट किए हुए टीथ चुरा रहे हैं, क्योंकि टीथ में बच्चों के बचपन की यादें होती थी। टूथ सभी से कहती है कि वो मेरी फेरीज और टीथ को ले गए हैं और वो काफी उदास होती है। पीच वहाँ आता है, टूथ पीच से कहती है कि तुम्हें मेरी सारी फेरीज को 30 सेकंड में वापस करना होगा। पीच कहता है कि मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास है। टूथ को गुस्सा आता है और वो पीच पर हमला करती है, मगर पीच का हॉर्स टूथ को मारने की कोशिश करता है। पीच उसे रोक लेता है और अपनी ब्लैक सैंड को सैंडी को दिखाकर कहता है कि मुझे इसे सीखने में काफी समय लगा, पर ये सपनों को भयानक बना देती है। और कहता है कि पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, मगर मून ने तुम्हें भेजकर मेरा डर खत्म कर दिया और लोगों के दिल में प्यार जगा दिया। पीच अपने सेंट से सभी जगह को बदलने लगता है। पीच ने सभी फेरीज को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से कोई भी फेरी बच्चों के टीथ कलेक्ट करने नहीं जाती। इस वजह से बच्चों का विश्वास टूथ फेरी से उठ गया था। पीच जेक से कहता है कि गार्डियन ने तुम्हें नहीं बताया, मगर बच्चों का तुम पर से विश्वास उठ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम भी नहीं बचोगे। पीच की बातों से गुस्सा होकर सभी उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर वहाँ से भाग जाता है। जेक टूथ से कहता है कि पीच टीथ क्यों लेकर गया। टूथ बताती है कि हम टीथ इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि बच्चों के बचपन की टीथ में खास यादें होती है। जब भी किसी को कुछ खास याद करना हो तो हम उनकी मदद करते हैं, इसीलिए पीच टीथ लेकर गया ताकि बच्चे बचपन की बातों को याद ना कर सके। टूथ जेक को बताती है कि उनके अंदर तुम्हारी भी यादें थी जब तुम जेक फ्रॉस्ट नहीं बने थे। जेक कहता है कि मैं जेक फ्रॉस्ट बनने से पहले कुछ नहीं था। टूथ कहती है कि हम सब में पावर आने से पहले हम एक आम इंसान थे। जेक कहता है कि इसका मतलब मेरा भी परिवार था। और टूथ से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताना होगा। टूथ कहती है कि सभी यादें पीच के पास है। जेक कहता है कि हमें उन्हें लाना होगा। नॉर्थ कहता है कि अगर हम सब मिलकर टीथ इकट्ठा करें तो बच्चे फिर से टूथ फेरीज पर भरोसा करेंगे। फिर वो जेक से कहता है कि अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें तुम्हारी यादें वापस दिला सकते हैं। सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और सभी बच्चों के टीथ कलेक्ट करने लगते हैं और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ते हैं। वहीं पीच इस बात से परेशान था कि बच्चे अब भी फेरीज पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। ब्लैक हॉर्स उसे बताता है कि वो फिर से टीथ इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उन पर विश्वास हो गया। जेक और टूथ जिमी के पास उसका टीथ लेने जाते हैं, तभी वहाँ बाकी गार्डियन भी आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर जिमी नींद से जाग गया। जिमी सभी गार्डियन को देखकर काफी खुश होता है। जिमी का डॉग बनी के ऊपर भौंकने लगता है, इस वजह से बनी डरकर भागने लगता है। सैंडी अपनी सेंट से जिमी और उसके डॉग दोनों को सुला देता है, मगर उनके साथ बनी को भी नींद आ जाती है। जेक ब्लैक हॉर्स को देखता है, सभी उनके पीछे चले जाते हैं। जिमी की बहन सोफी कमरे में आती है और वो बनी को देख लेती है। नॉर्थ अपनी मैजिकल बॉल जिमी के घर में भूल गया था। सोफी उसे देखने लगती है और उसके हाथ से बॉल छूट गई थी, जिसकी वजह से वहाँ वॉरेन जाने का रास्ता खुल जाता है और सोफी उसके अंदर चली गई। वॉरेन बनी का घर था और सोफी बनी को काफी पसंद करती थी। वहीं जेक अपनी पावर से ब्लैक हॉर्स को जमा देता है और काफी खुश होता है। तभी उसके पास पीच आता है और जेक से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई नहीं है। जेक कहता है कि तुमने मेरे टीथ चुरा कर उसे मेरी लड़ाई बना दिया। सैंडी भी वहाँ जाता है और पीच से लड़ने लगता है। सैंडी अपनी पावर से पीच को हरा देता है, मगर पीच अपने हॉर्स से सैंडमैन और जेक पर हमला करवाता है। नॉर्थ भी वहाँ आकर जेक की मदद करने लगता है। सैंडी ब्लैक हॉर्स को अपनी पावर से खत्म करता है, मगर पीच सैंडी के पीछे से तीर लगा देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जेक सैंडी को बचाने जाता है, मगर उसे नहीं बचा पाता। सभी हॉर्स मिलकर जेक के ऊपर हमला करते हैं। जेक अपनी पावर से सभी हॉर्स को खत्म करता है, जिसकी वजह से पीच भी उड़ जाता है। जेक नीचे गिरने वाला था, तभी उसे टूथ आकर पकड़ लेती है और स्लेज में बिठा लेती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। पीच गार्डियंस को जाता देख काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जीत गया। अब सभी जगह डर और अंधेरा होगा। वहीं नॉर्थ और बाकी सभी मिलकर सैंडी को अंतिम विदाई देते हैं और काफी दुखी होते हैं। जेक काफी उदास होता है क्योंकि वो सैंडी को नहीं बचा पाया। नॉर्थ जेक के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुमने पीच से बराबरी का मुकाबला किया और तुम अपनी पिछली लाइफ में कुछ भी हो, पर तुम इस लाइफ में एक गार्डियन हो। जेक कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन था। नॉर्थ कहता है कि मुझे भरोसा है तुम जान जाओगे। सभी गार्डियन ग्लोब में देखते हैं कि लाइट्स कम हो रही
ही है क्योंकि बच्चों का गार्डियन से विश्वास उठ रहा था। बनी सभी से कहता कि कल ईस्टर है, हम सब मिलकर कल बच्चों की मदद करेंगे और उन्हें खुश करेंगे, जिसकी वजह से वो हम पर फिर से भरोसा करेंगे। सभी को बनी का आइडिया पसंद आता है। बनी सभी को अपने साथ वरन ले जाता है। सभी को लगता है कि यहाँ कोई है और वो उस पर हमला करने वाले होते हैं, मगर सभी देखते हैं कि वो सोफी है, इसीलिए अपने हथियार छुपा लेते हैं। बनी सभी से पूछता है कि यहाँ कैसे आई। नॉर्थ को पता चल जाता है कि उसकी गलती की वजह से यहाँ आई, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताता। सोफी टूथ को देखकर रोने लगती है। जेक अपनी पावर का यूज बनी के ऊपर करता है, जिसकी वजह से सोफी बनी के साथ खेलने लगती है और सभी मिलकर एक को पेंट करने लगते हैं। बनी और जेक में दोस्ती हो जाती है। सोफी बनी की गोद में सो जाती है। जेक सोफी को छोड़ने उसके घर जाता है। जेक जब वहाँ से वापस वरन आ रहा था, तब उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और उस आवाज की तरफ जाता है। जेक को एक केव दिखाई देती है, जिसके अंदर वो चला जाता है। बेबी टूथ उसे जाने से मना करती है, मगर वो फिर भी अंदर चला जाता है, जहाँ पिच ने सभी फेरिस को पकड़ रखा था। पिच जेक को डराने लगता है और उसे उसके टूथ दिखाकर कहता है कि तुम जो भी जानना चाहते हो वो तुम्हें टीथ बता सकते हैं, मगर तुम गार्डियन की वजह से डर रहे हो। और वो जेक को अपनी बातों में उलझा कर उसे वही रोक लेता है। और उसने अपने हॉर्स से वरन पर हमला करा दिया था, जिससे हॉर्स ने सभी एक को तोड़ दिया था। इसीलिए बनी बच्चों को एक नहीं दे पाया और बच्चों को लगने लगा कि बनी नहीं होता। इस वजह से बनी भी बच्चों को नहीं दिखाई देता। वहीं बनी काफी उदास होता है। जेक उसके पास जाता है। जेक के हाथ में उसके टीथ देखकर सभी उसके ऊपर शक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पिच के साथ है, इसीलिए तुम हमारी मदद नहीं करने आए। बनी जेक पर गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहीं जिमी अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने बनी को देखा है, मगर सब उसे कहते हैं कि वो तुम्हारा सपना था, बनी नहीं है। और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जेक काफी गुस्सा होता है, तभी उसके पास पिच आता है, जिसे देखकर जेस उस पर हमला करता है। पिच जेक को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर जेक उसकी बातों में नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है। पिच जेक को बेबी टूथ दिखाता है और जेक से उसकी मैजिकल स्टिक मांगता है। जेक बेबी टूथ के बदले उसे मैजिकल स्टिक दे देता है, मगर वो बेबी टूथ को नहीं छोड़ता और उसे फेंक कर जेक की स्टिक भी तोड़ देता है और अपनी पावर से जेक को एक खाई के अंदर डालकर उसकी स्टिक भी उसके पास फेंक देता है। जेक को बेबी टूथ मिलती है और वो जेक के पॉकेट में छिप जाती है। जेक के टीथ से आवाज आती है। जेक अपने टीथ के बॉक्स को खोलता है। टीथ को देखकर उसे अपने गार्डियन बनने से पहले की बातें याद आती है, जहाँ जेक की एक सिस्टर थी, जिसके साथ वो स्नोबॉल खेलने बर्फ में गया था, मगर उसकी सिस्टर के पैरों के नीचे से बर्फ टूटने वाली थी, जिसकी वजह से वो मर जाती। इसीलिए जेक ने उसे बचाने की कोशिश की और एक छड़ी की मदद से उसे बचा लिया, मगर बर्फ टूट गई, जिससे जेक बर्फ के अंदर गिर गया और उसकी जान चली गई। जेक ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी सिस्टर की जान बचाने की वजह से मोन ने उसे गार्डियन बनाया। जेक फिर से इंस्पायर होता है और अपनी स्टिक को जोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसमें फिर से पावर आ जाती है और वो बेबी टूथ को बचाने जाता है। वहीं पिच नॉर्थ पोल जाता है और ग्लोब को देखकर कहता है कि 6 बच्चे हैं जिन्हें अभी भी गार्डियंस पर भरोसा है, मगर धीरे धीरे सभी बच्चों का उन पर से भरोसा उठ जाता है। वहीं जेक सभी बेबी टूथ को बचाने जाता है। वो देखता है कि अब एक बच्चा ही बचा है जिसे अभी भी गार्डियन पर भरोसा है और वो जिमी होता है। जेक जिमी के पास जाता है और उसकी बातें सुनता है, जिसमें जिमी अपने टॉय से कहता है कि अगर गार्डियन है तो मुझे कोई भी इशारा करे। जेक अपनी पावर से कांच के ऊपर बर्फ जमाता है और जिमी के पास एक रेबिट भेजकर उसे स्नो में बदल देता है, जिसे देखकर जिमी जेक का नाम लेता है और उसे वो दिखने लगता है। ये सब देखकर जेक काफी खुश होता है, क्योंकि जिमी पहला ऐसा बच्चा था जिसे जेक दिखाई दे रहा था। नॉर्थ की पावर भी चली गई थी, क्योंकि क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा से गिफ्ट नहीं मिले थे। नॉर्थ सभी गार्डियन के साथ जेक के पास आता है। जिमी सभी से मिलकर काफी खुश होता है। बनी पर बच्चों को भरोसा नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो काफी छोटा हो गया था। जिमी बनी से मिलकर हंसने लगता है और बनी से कहता है कि जेक ने मुझे विश्वास दिलाया कि ईस्टर बनी असलियत में होते हैं, इसीलिए तुम पूरी तरीके से छोटे नहीं हुए। पिच भी वहाँ आ जाता है। जेक पिच से लड़ने लगता है। जिमी बाकी गार्डियन के साथ भागने लगता है। जेक पिच को हराने की कोशिश करता है, मगर पिच काफी ताकतवर था। पिच सभी गार्डियंस को घेर लेता है। जिमी डरने लगता है। जेक को अपनी बहन की याद आती है, जब वो डर रही थी तो जेक ने उसकी जान बचाई थी। वो जिमी से अपने दोस्तों को बुलाकर लाने को कहता है और पिच के ऊपर स्नोबॉल फेंकता है। जेक अपनी पावर से सभी के साथ मिलकर बच्चों के ऊपर स्नो फेंकता है और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाता है। सभी बच्चे जिमी को हवा में उड़ते देख जिमी
जिमी से पूछते है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। जिमी सभी से कहता है कि मैं जेक की वजह से उड़ पा रहा हूँ। सभी बच्चे देखकर गार्डियन पर फिर से भरोसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी जेक दिखाई देने लगता है और सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। पीच अपनी पावर से बहुत सारे हॉर्स को लाता है जो बच्चों को बुरे सपने दिखाते हैं। बच्चे उन्हें देखकर डरने लगते हैं। पीच जेक से कहता है कि तुम थोड़े से बच्चों के साथ मुझे नहीं हरा सकते। नॉर्थ भी अब काफी कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो पीच से नहीं लड़ सकता था। जेक और बाकी गार्डियंस को देखकर जिमी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। जिमी को देखकर बाकी के बच्चे भी हिम्मत करते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बच्चे उनके हमले से नहीं डरते, जिसकी वजह से ब्लैक हॉर्स की सेंड उनके ऊपर काम नहीं करती और वो गोल्ड सेंड में बदल जाती है और सभी के पास अपना जादू वापस आ जाता है। नॉर्थ अपनी पावर से यति को बुला लेता है। बनिया फिर से बड़ा हो गया था और अपने बड़े एगस को बुलाता है। जेक अपनी पावर से सभी को खत्म करने लगता है। बच्चे भी हॉर्स को झुककर उन्हें गायब करते हैं। पीच जेक को पीछे से मारने की कोशिश करता है, मगर सैंडी फिर से जिंदा हो गया था और उसने अपनी सेंड की मदद से पीच को पकड़ लिया। सैंडी को देखकर सभी गार्डियंस काफी खुश हुए। सैंडी ने पीच को हरा दिया और अपनी सेंड की मदद से सभी बच्चों को फिर से भरोसा दिलाया, जिसकी वजह से सभी तरफ रोशनी हो गई। जेक सभी बच्चों के साथ स्नोबॉल खेलने लगता है। नॉर्थ जेक को उसके जैसा स्मॉल टॉय देता है, क्योंकि वो अब एक गार्डियन बन गया था। नॉर्थ, बनी और सभी मिलकर स्नोबॉल खेलने लगते हैं। पीच को होश आता है और वो सभी को डराने की कोशिश करता है, मगर कोई उससे नहीं डरता, इसीलिए वो किसी को नहीं दिखता और वहाँ से भागने लगता है। मगर नॉर्थ उसे रोक लेता है। टूथ पीच को मुक्का मारती है, जिसकी वजह से उसका टीथ टूट जाता है, क्योंकि उसने सभी फेरिस को पकड़ लिया था। पीच कहता है कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, मेरा डर हमेशा बना रहेगा, और वो अपने हॉर्स को दिखाता है। जे कहता है कि तुम डर रहे हो, इसीलिए वो यहाँ है। सभी हॉर्स पीच का पीछा करते हैं और उसे पकड़कर जमीन के अंदर चले जाते हैं। टूथ खुश होकर जेक को गले लगाती है। नॉर्थ जेक से गार्डियन बनने पर शपथ लेने को कहता है। जेक शपथ लेता है और हमेशा के लिए गार्डियन बन जाता है, जिसकी वजह से सभी काफी खुश होते हैं। सेंटा की स्लेज वहाँ आती है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं। सैंडी अपने सेंट से आसमान में खूब सारी चमक फैला देता है। बनी सोफी के साथ खेलता है और उसे बहुत सारे एक देता है। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जिमी जेक से कहता है कि अगर तुम चले गए और पीछे फिर से आ गया और हमारा भरोसा तुम पर से उठ गया तो क्या होगा। जेक उसे कहता है कि जैसे सूरज छिपने के बाद वापस आता है, वैसे ही हम सब भी वापस आते रहेंगे। जिमी जेक को गले लगाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जेक हमसे कहता है कि मेरा नाम जेक फ्रॉस्ट है और मैं गार्डियन हूँ। मुझे ये सब मून ने बताया है और अगर वो आपको कुछ बताए तो हमें उस पर भरोसा करना होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।